गाइज आज फिर से मैं आपके मूड को पूरा रिफ्रेश करने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं आपको 90s के कुछ ऐसी चीजों को दिखाऊंगा जिसको देखकर आपको पूरी नॉस्टैल्जिया वाली वाइब आने वाली है और एक बार फिर से आप गुड ओल्ड डेज को जी पाओगे। 90s डिवाइसेस। अब भाई सच बताना, आपने भी कभी ना कभी ये तो जरूर सोचा ही होगा कि काश मैं ये मिल्टन की बोतल स्कूल ले जाऊं। वैसे तो हमारी मम्मी हमें प्लास्टिक की बोतल दिया करती थी या फिर बच्चों की स्ट्रॉ वाली बोतल, लेकिन हम सबको ही कहीं ना कहीं मिल्टन की बोतल तो चाहिए ही थी, या फिर उसका लंच बॉक्स जो कि क्लास में हमें एकदम अंबानी वाली फीलिंग देता था। और आज फोन से दोस्त को बुलाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद है वो दिन जब हम दोस्त के घर नीचे खड़े होकर चिल्लाकर उसे खेलने के लिए बुलाया करते थे और हमारे घर पर एक लैंडलाइन पड़ा रहता था जो कि सिर्फ हमारे पापा के काम या फिर दूर के रिश्तेदार के फोन उठाने के काम आता था। याद है जब उसकी सिर्फ रिंग बजती थी तो हम लोग एकदम एक्साइटेड हो जाते थे। और हाँ, उस समय YouTube या फिर Spotify तो नहीं था, लेकिन कैसेट्स और टेप उसकी जगह आसानी से पूरी कर देते थे। और भाई जरा ये बताना कि बस मैं ही था या फिर तुम लोग भी इन रील्स में फंसा करते थे। और यार उस वक्त पता नहीं क्यों हमें इन एंटीना से पता नहीं इतना ज्यादा क्यों लगाव था, हम हर वक्त इसे सुधारते ही रहते थे। कौन कहता है हमारे पास उस समय व्हाट्सएप नहीं था, यह लाल लेटर बॉक्स हमारे सारे मैसेज सही जगह पहुंचा तो देता था। आज ये भी कहीं पुराने सिक्कों की ही तरह गायब हो चुके हैं। वैसे बचपन में हमारे पास एक ऐसा डिवाइस भी हुआ करता था जिसे हम अपनी हाथों की एक्सरेज निकाला करते थे। वैसे इस इंटरेस्टिंग चीज को तुम्हारे यहाँ क्या बोला जाता था कमेंट्स में जरूर बताना। फूड। बड़े लोगों को स्मोकिंग करता देख हम भी कैंडी सिगरेट्स खाने से खुद को रोक नहीं पाते थे। पता नहीं वो जमाना कहाँ चला गया जब मैजिक पॉप खाने ही हमें दुनिया की सारी खुशियाँ दे जाता था, और कभी चाचा या मामा ये पुरानी पेप्सी पिला देते थे तो हमें लगता था कि आज का तो दिन बन ही गया। और माना कि मम्मी ने रोड पर बिक रहा बंटा सोडा कभी हमें पीने नहीं दिया, लेकिन इसे सिर्फ देख कर ही 90s का वो दौर आंखों के सामने आ जाता है और मन होता है इसे पकड़ के रखे और कभी जाने न दे। बिल्कुल वैसे ही मीठे वाले सोन पापड़ी की तरह जो हमें भोपू बजाने वाले अंकल तब दिया करते थे जब हम उनको लोहे के कुछ तो सामान दिया करते थे। और भाई बचपन में मिलने वाले इन आइसक्रीम्स के क्या ही कहने। हाँ वो बात अलग है कि इसे खाने पर हमें सर्दी हो जाया करती थी, लेकिन उस सर्दी को ठीक करने के लिए जब दादी विक्स लगाया करती थी तो हम डायरेक्ट अंटार्कटिका पहुंच जाते थे। अब भाई सोने की रिंग आपने पहनी हो या फिर नहीं पहनी हो, ये फोफड़ी वाली रिंग्स किस किस ने पहनी थी कमेंट्स में जरूर बताना। और भाई बचपन में हमारे ये कुछ अजीब साइकोलॉजी था कि जब हम इन रिंग्स को उंगलियों में डालकर खाते थे तो इनका स्वाद अपने आप 10 गुना बढ़ जाता था। और भाई इस प्यारे से हाजमोला को कैसे भूल सकते हो जो कि ट्रेन और बसों में उल्टी रोकने के काम आता था। और भाई इसे खाकर और आंख बंद करके चटकार मारने का अपना ही स्वाद था। और भाई लिज्जत पापड़ के इस खरगोश को कैसे भूल सकते हो जिसके गाने पर ही हम झूम उठा करते थे। गेम्स। चल छिया छिया वाले इस पिंक बार्बी के फोन से लेकर टैजोस पोकेमोन और WWE के कार्ड और स्टिकर्स कलेक्ट करना ही हमारे बचपन का एक लौता मिशन हुआ करता था। और वह इस पिंक वाले फोन का लाइट, मतलब बचपन में इस पर इतना ज्यादा भरोसा था कि कभी कभी सिर्फ इसे ही लेकर रात को मैं एडवेंचर पर निकल जाता था। तब यारो भले ही घर में पैसे कम हुआ करते थे लेकिन हम हर छोटी बात का जश्न मनाया करते थे। बचपन में नहीं पता था कि इन कार्ड्स को कलेक्ट करना आज इतनी बड़ी याद बन जाएगी। आज भी खिड़की से झांकते हैं कि शायद वो आइसक्रीम वाली साइकिल फिर आएगी। तभी हमारे खेल इतने प्यारे थे कि अगर असली फाइट तो नहीं तो हम थमी फाइट कर लिया करते थे। और जब रेड हैंड्स खेल के लाल हाथ घर ले जाते थे तो कई बार मम्मी भी पूछती थी कि कहीं फिर मारामारी तो नहीं कराए। अब भाई उनको कौन समझाए, ये लाल हाथ दोस्ती की सच्ची निशानी हुआ करते थे। माना आज की RGB लाइट काफी मस्त है, लेकिन कौन कहता है कि अंधेरे में चमकने वाले ये टॉयज उनसे कम थे। और यार हमारे एनिमे और मांगा की शुरुआत तो चाचा चौधरी के कॉमिक से ही हो गई थी। डोरेमोन के बैम्बू कॉप्टर से भी पहले हमारे पास ये हेलीकॉप्टर हुआ करता था। और भाई उस समय तो बच्चों की साइकिल भी कम ही मिला करती थी, बट उसका भी सोल्यूशन हमने 1.5 घोड़ी वाली साइकिल चलाकर कर लिया था। अब चाहे आप अपने आईफोन और नाइके के जूतों का कितना भी फ्लेक्स कर लो, आप कभी भी इन मैग्नेटिक पेंसिल बॉक्स की बराबरी नहीं कर पाओगे। इसे सिर्फ देखकर ही पूरी क्लास तो जलती ही थी, लेकिन आपके साथ बैठने वाले दोस्त को बड़ा मजा आता था क्योंकि भाई बॉक्स माय फ्रूट इरेजर को स्मेल करने को जो मिलता था। और कहीं ना कहीं ये दोस्त हम ही थे क्योंकि भाई हमें भी ये पेंसिल बॉक्स इजिली नहीं मिलता था, बहुत मुश्किल से मेहनत करके लेना पड़ता था यार। याद है ये ग्लिटर नेल पॉलिश जो कि क्लास बी की लड़कियों को क्वीन बी बना दिया करती थी। ये ग्लिटर नेल पॉलिश लगाने वाले लड़कियां ऑटोमेटिक कूल बन जाती थी। हाँ वो बात अलग है कि प्रिंसिपल के पकड़े जाने पर खूब डांट भी पड़ती थी। अब अगर लड़कों की बात की जाए तो हमारे पास फैशन के नाम पर ये हुआ करता था। हाँ भाई हमारे इस तेल को कैसे भूल सकते हो, हम लड़कों के हेयर स्टाइल को बनाकर यही तो हमें राजा बाबू बनाता था। और भाई बालों के साथ साथ हमारे फेस के लिए भी यही थी हम बॉयज के लिए असली मर्दों की क्रीम। 90s म्यूजिक।
90s के म्यूजिक की क्वालिटी भले ही आज के म्यूजिक से लो थी, बट भाई आज भी जो एंजॉयमेंट इन म्यूजिक से मिलता है ना, उसका कंपैरिजन आज के म्यूजिक से बिल्कुल नहीं की जा सकती। और भाई सिर्फ यही म्यूजिक नहीं था, बट उस समय तो हम इस म्यूजिक पर भी झूम उठा करते थे। अब यार जाते जाते ना, मैं बस आपको एक कोड दिखाना चाहता हूँ। Enjoy every moment you have, because in life there are no rewinds, only flashbacks. Make sure it's all worth it. मतलब भाई अभी प्रेजेंट में जितने भी मूवमेंट्स है ना, उन सबको ही पूरी तरह से एंजॉय करो, क्योंकि आगे चलकर हमारे दिमाग में बस इसका फ्लैशबैक ही बचने वाला है। 90s एंड 2000s की ही तरह हम इसे रिवाइंड करके फिर से नहीं जी पाएंगे। सो यार होपफुली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना। लाइक एंड कमेंट करने के बाद आप इस वीडियो के पहले पार्ट को भी देख सकते हो, और सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा यहां तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।